जनाब ज़ैनब यार आप चले जाओगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं। बैठो सुनो, ये सुनो, इधर तवज्जो इधर रहेगी तो बात समझ में आएगी। ये उस बारगाह में उस जात की शान में कलाम पढ़ रहा हूँ मैं जिसने सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम की शहादत के बाद कर्बला में सबसे अहम किरदार अदा किया, जिसका नाम सैयदा जैनब है, जिसका नाम सैयदा, बोलोगे तो इंशाल्लाह पढ़ लूंगा मैं। मुफ्ती साहब को तो ऐसे ही रोका हुआ है मैंने, हालांकि ये कलाम मैं सुनाना चाहता हूँ मुफ्ती साहब को, लेकिन आप अगर बोलोगे तो मैं जरा पढ़ लूंगा। जिसका नाम सैयदा सैयदा जैनब है, अब सुनो मैं आपको सुनाता हूँ। اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه واله واصحابه وبارك وسلم سنیے گا نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے नूर की बरकत जनाब ज़ैनब नबी के नूर की बरकत जनाब ज़ैनब जनाब ज़ैनब है नबी के नूर की बरकत जनाब ज़ैनब है नबी के नूर की बरकत जनाब ज़ैनब है खदीजा नानी से नारे है अजमते ज़ैनब कुबरा अजमते सैयदा खदीजा हर ज़बान में रस खोल रहे हो जैसे हर ज़बान में रस खोल रहे हो जैसे जिब्रील ज़बान खोल रहे हो जैसे दरबारे दमिश्क में ज़ैनब का वो खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे हाय 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 नबी के नूर की बरकत जनाब ज़ैनब है नबी के नूर की बरकत जनाब ज़ैनब है नबी के नूर की बरकत जनाब ज़ैनब है खदीजा नानी के चेहरे काश है तैनाब और अपने नाना की और अपने नाना की सीरत जनाब ज़ैनब
अपने नाना की सीरत जनाबे आए हाय हाय हाय। अरे चकमाल वालों कहाँ खोए हो? आए हाय 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 कहाँ खोए हो? अली के घर की शराफत जनाबे ज़ैनब है। अली के घर की शराफत जनाबे ज़ैनब है। हुसैन तेरे लिए कफील भाई मुफ्ती साहब मुफ्ती अहमद साहब हुसैन तेरे लिए रब ने उसको भेजा था। महफिल की तरफ नहीं देखूंगा, नतीजा आएगा तो पता चलेगा। महफिल की तरफ नहीं देखना है। हुसैन तेरे लिए रब ने उसको भेजा था, 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 के करबला की जरूरत जनाबे ज़ैनब है। के करबला क्या बात है यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली के घर की शराफत जनाबे ज़ैनब है। अब एक शेर पढ़ रहा हूँ। हैदर भाई जैसे आप खड़े हैं वैसे पूरी महफिल खड़ी देखना चाहता हूँ। जैसे आप खड़े हो ना वैसे पूरी महफिल खड़ी देखना चाहता हूँ। अभी नहीं शेर पढ़ रहा हूँ, आपको लगे कि वाकई शेर ऐसा है कि खड़े होकर इसका इस्तकबाल करना चाहिए तो फिर तैयार रहना। सुनो मैं आपको शेर सुना के जा रहा हूँ। हाँ अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी, अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी, अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी, अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी, अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी, अली के खुतबे की, अली के खुतबे की हैबत जनाबे ज़ैनब है। अली के खुतबे की सारे लोग खड़े होकर जब शेर का इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, दोनों हाथों के फिज़ा में नारा करें, नारे रिसालत, या हुसैन या हुसैन, या हसन या हुसैन, नारे तकबीर, जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़ैनब कुबरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बहुत बहुत उम्दा भाई। एक शेर सुनो। शब्बीर के मकसद का निगहबान है ज़ैनब, शब्बीर के मकसद का निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब, अब भी जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है ये भी तेरी चादर का ही एहसान है ज़ैनब, अब भी जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है ये भी तेरी चादर का ही एहसान है ज़ैनब। और सज्जाद को जलते हुए खेमे से निकाला, सज्जाद को जलते हुए खेमे से निकाला, बंधे हुए हाथों में बड़ी जान है ज़ैनब। आए हाय हाय हाय। ऐसे खड़े रहना, ऐसे खड़े रहना, एक एक हुसैनी को सैयदा ज़ैनब का वास्ता है। ऐसे खड़े रहना,
थोड़ी सी आवाज मिंटू भाई, अली के घर की शराफत जनाबे ज़ैनब है। अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी, अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी, अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी, अली के खुतबे की, अली के खुतबे की, अली के खुतबे की हैबत जनाबे ज़ैनब है। नारा लगाएं जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हजरत सैयदा ज़ैनब, नारे तकबीर। एक मिनट, एक मिनट, अभी शेर पढ़ दूं, नारा जितनी मर्जी हो लगाना, लेकिन देखता हूं किसके हाथ नीचे रहते हैं। देखता हूं मैं ये जितने गुलाम मौला हुसैन के खड़े हैं यहाँ पे ना, मौला हुसैन के नाम पर, देखता हूँ हाथ किसके नीचे रहते हैं। ऐसे मौला हुसैन के नाम का झंडा बनाओ और हाथों को लहरा के पढ़ना मेरे साथ। अली के घर की शराफत जनाबे ज़ैनब है। सुनना, एक शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद जितने नारे लगाने हो लगा लेना, जितने लगाने हो लगा लेना यहाँ से। वो करबला में नजर आई मुर्तुजा की तरह, वो करबला में नजर आई मुर्तुजा की तरह, वो करबला में नजर आई मुर्तुजा की तरह, वो करबला शराफत जनाबे ट्रेबल, अली के घर की शराफत जनाबे, कौन है? अली के घर की शराफत जनाबे ज़ैनब है। अली के, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अली के घर की शराफत जनाबे ज़ैनब। एक शेर आपकी इजाजत हो तो और सुना दूं आपको, इजाजत है हैदर भाई आपकी, इजाजत है, इजाजत है। बचा के लाई है करबल से अपने आबिद को, बचा के लाई है करबल से अपने आबिद को, बचा के लाई है करबल से अपने आबिद को, बचा के लाई है करबल से अपने आबिद को, बचा के लाई है करबल से अपने आबिद को। अली की नस्ल पे, अली की नस्ल पे रहमत जनाबे ज़ैनब है, अली की नस्ल पे दुआ करो मौला हुसैन भी खुश हो जाएं, करबला वाले भी खुश हो जाएं। हैं? मकसद मकसद जो होता है वही होता है तो आपको परवरदिगार खुद ही खुश कर देता है। जरा मिलके पढ़ें। अली के घर की शराफत जनाबे ज़ैनब है, के उनका गम ही बनेगा निजात का जरिया,
कमेटी वालों, मैं अपनी नहीं बात कर रहा हूँ, सारे गुलामों की बात कर रहा हूँ। के उनका गम ही बनेगा निजात का जरिया, के उनका गम ही बनेगा निजात का जरिया, के उनका गम ही बनेगा निजात का जरिया, मेरे लिए मेरी, मेरे लिए मेरी जन्नत जनाबे ज़ैनब है। जनाबे ज़ैनब है मेरे लिए मेरी जन्नत जनाबे ज़ैनब है। मक्ता, ये एक सैयद का लिखा हुआ कलाम है, एक सैयद दादे का कलाम है लिखा हुआ। और इस मक्ते का जो दूसरा मिसरा है उसमें एक ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है जो सैयद के अलावा गैर सैयद कर भी नहीं सकता है। कफील भाई सुनिएगा। हाँ, अली के घर की शराफत जनाबे ज़ैनब है, जो बख्शवाएगी महशर में तेरी नस्लों को, जो 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 बख्शवाएगी महशर में तेरी नस्लों को, जो बख्शवा तेरी फूफी शबाहत जनाबे ज़ैनब है, वो तेरी फूफी शबाहत जनाबे ज़ैनब है। अली के घर की शराफत जनाबे ज़ैनब है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला मेरा पढ़ना आप सबका सुनना हुजूर के सबके कबूल फरमाए। वक्त बहुत हो गया, बात समझो है। सिर्फ एक मतला एक शेर पढ़ूंगा।